हेलो फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पर इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले ही एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट के बिग बुल श्री राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया। और हर इंसान अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एक प्रेरणा दूसरों को दे जाता है, और वो हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। ही इज वन पर्सन जिसने हमें विश्वास दिलाया कि इक्विटी मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट से हम अपना फॉर्च्यून बना सकते हैं। किस तरह से इक्विटी मार्केट इंडिया के पूरे इकोनॉमी को एक अलग लेवल पे पहुंचा सकती है, ही वाज द वन जिसको हमेशा से इंडिया की ग्रोथ के ऊपर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं रहा है। ही वाज ऑलवेज ऑन फेवर ऑफ इंडियंस, इंडिया ग्रोथ स्टोरी। और एक प्रेरणा जो उन्होंने सबसे ज्यादा एक कॉमन आदमी को दी है कि कैसे एक इंसान अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकता है, क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्होंने अपने लाइफ में किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन किया, और क्यों ये पॉसिबल हो सकता है कि हम भी अपने लाइफ में अगर स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी तरह से निवेश करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, तो हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेसमैन हमेशा इम्प्लॉय के कंपेरिजन में या ऐसे छोटे बिजनेसमैन के कंपेरिजन में जो लोग अकेले काम करते हैं उसके कंपेरिजन में वो लोग कितने अमीर कैसे होते हैं, कैसे वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत जल्दी अटेन कर लेते हैं कंपेयर टू द पर्सन हु वर्क्स इंडिविजुअल। तो इसी को लेके मैं आज इंडिपेंडेंस डे के दिन मैंने सोचा कि आज किसी नए स्टॉक पे वीडियो नहीं बना के हम एक ऐसा बेसिक चीज के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूं कि कैसे एक बिजनेसमैन अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करता है। और ये कोई एक लक फैक्टर नहीं होता, इसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशन होता है जिसकी वजह से वो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय से बोल लीजिए या इंडिविजुअल जो अकेले काम करने वाले जो नेटवर्क नहीं बना सकते हैं ऐसे लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अर्न करते हैं और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन, एक छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने मैं ले गया है, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आए। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कंपेरिजन हम लोग कैलकुलेशन से देखेंगे कि किस तरह से एक इंडिविजुअल इंसान का लाइफ और अर्निंग पैटर्न चलता है और उसके कंपैरिजन में एक बिजनेसमैन का लाइफ पैटर्न या अर्निंग पैटर्न किस तरह से चलता है। तो अज्यूम करते हैं कि एक इंसान का लाइफ स्पैन, जैसा कि हम इंडिया में जानते हैं कि एवरेज एज 70 इयर्स है। अब ये 70 साल के लाइफ में उनका जो प्रोडक्टिव वर्किंग लाइफ होता है वो जनरली 25 साल से 65 साल का होता है, यानी एट द एज ऑफ 25 % स्टार्ट्स वर्किंग, एट द एज ऑफ से 65 ही ट्राइज टू रिटायर। तो ये 40 साल का इनका वर्किंग स्पैन हो। तो एक साल में अगर हम लोग अज्यूम करें कि देयर आर 300 वर्किंग डेज, कि एक इंसान एक साल में 300 दिन काम करता है और एक दिन कम से कम वो 10 घंटा के आसपास काम करता है, तो अपने लाइफ में अगर हम देखें तो वो टोटल कितना प्रोडक्टिव काम करता है। टोटल प्रोडक्टिव काम जो वो अपने लाइफ में करता है वो है 1,20,000 घंटे। बहुत मेहनत भी कर लेगा तो 1,20,000 घंटे के आसपास वो काम करता है। मैंने यहाँ पर 300 डेज ऑफ वर्किंग लिया है 10 आवर्स पर। अब मान लो कि एक एवरेज इंडिविजुअल का इंडिया में अगर सैलरी में 30,000 रुपया मानू, या मान लो कि फॉर एग्जांपल वो पर डे का 1,000 रुपया कमाता है, ठीक है, और 10 घंटा काम करता है, तो एट एन एवरेज उसका रेट कितना हो गया, 100 रुपीज पर आवर। एक एवरेज, इससे ज्यादा भी होता है इससे कम भी होता है, मैंने एवरेज लिया है। एक इंसान, एक मिडिल क्लास कॉमन इंसान 100 रुपए प्रति घंटा के आसपास कमा ले, तो टोटल अर्निंग जो वो अपने लाइफ टाइम में करेगा वो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 1,30,00,000 रुपए। दिस इज द टोटल अर्निंग जो वो अपने लाइफ टाइम में कर सकता है। एक इंडिविजुअल इंसान अगर वो नेटवर्क ना बनाए, अगर वो लोगों के साथ जुड़ के काम ना करे, सिर्फ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के तौर पर काम करे, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन के तौर पर काम करे, पर एक बिजनेसमैन जो सिस्टम बनाना जानता है, जो एक नेटवर्क क्रिएट करना जानता है, लोगों के साथ लेके चलना जानता है, जिसको टीम वर्क बोलते हैं, वो क्यों इतना तरक्की करता है और वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम इतना जल्दी क्यों अटेन करता है, ये समझते हैं कि उनका भी लाइफ स्पैन कोई अलग नहीं होता है, वो भी 70 साल होते हैं। मान लीजिए 40 साल का उनका वर्किंग है, दे ऑल्सो वर्क फॉर 300 डेज ऑफ ईयर, और उनका भी वर्किंग 10 आवर्स पर डे, पर यहाँ पर इनके पास डिफरेंस है कि उनके पास इम्प्लॉयज है, उनके पास नेटवर्क है जो उनके बिहाफ में काम करते हैं। तो अगर मान के चलते हैं कि एक एवरेज बिजनेस में कुछ भी नहीं तो 100 इम्प्लॉय, ठीक है, होने को तो टाटा बिल्डर्स का देखें तो 5,000 10,000 इम्प्लॉयज होते हैं,
मैंने एक छोटा बात किया है कि छोटा नेटवर्क भी होता है, 100 employees या 100 लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं एक दिन में वही 10 घंटे काम कर रहा हूँ, तो टोटल कितना मेरा वर्क आवर हो रहा है, कितना टोटल प्रोडक्टिव वर्क आवर एक इंसान अपने लाइफ स्पैन में काम कर रहा है, तो वो हो जाता है आपका इट इज 12 करोड़, 12 करोड़ आवर्स, 1 करोड़ 20 लाख आवर्स, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख घंटे वो इंसान पूरे लाइफ में काम कर सकता है, जबकि एक इंडिविजुअल इंसान 1,20,000 घंटे काम करता है, जबकि एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो मान लो 100 लोगों को का नेटवर्क बना के काम करता है, उसके लिए 100 लोग उसके लिए काम करते हैं, तो उसका टोटल प्रोडक्टिव आवर्स जो होता है 1 करोड़ 30 लाख घंटे। अब मान लो वो बिजनेसमैन 100 रुपए घंटे के हिसाब से ना भी कमाए, सिर्फ 30 रुपए पर आवर का उसका अर्निंग हो, कंपेयर टू इंडिविजुअल पर्सन, कंपेयर टू इंडिविजुअल एम्प्लॉय या इंडिविजुअल बिजनेसमैन जो 100 रुपए पर घंटे कमा रहा है, ये बिजनेसमैन बोल रहा है मैं एकदम कम लूंगा, मेरे को सिर्फ 30 रुपया घंटा चाहिए, तो भी उसका टोटल अर्निंग आप देख सकते हो लाइफ में कितना हो जाता है, 36 करोड़ रुपए। तो दिस इज द डिफरेंस कि वो कम चार्ज कर रहे हैं तो भी ये 1 करोड़ 20 लाख कमाने से बढ़िया वो टोटल 36 करोड़ रुपया कमा रहे। तो ये क्वेश्चन आता है कि मैंने ये आपके सामने क्यों बताया, स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना, स्टॉक मार्केट से लेना देना ये है कि एज अ नॉर्मल पर्सन आप ये सोचोगे हम तो एम्प्लॉई है, हम तो अकेले काम करते हैं, ये बिजनेसमैन बिजनेस करना हमें नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जो बोलते हैं इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग, जहां लोग नेटवर्क के साथ जुड़ के जब काम करते हैं ना तो वहां पर सबसे बड़ा गोल जो आता है वो आता है टाइम कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है लोगों। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर आप इंडिविजुअली काम करते हैं तो आप किस तरह से इसको टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक कॉमन पर्सन जो कि बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है, शायद उसके पास कैपिटल नहीं है या उनके पास क्षमता नहीं, वो क्या कर सकता है, इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। जब हम एक इक्विटी शेयर खरीदते हैं एक अच्छी कंपनी का, तो हम उस कंपनी के एक तरह से ओनर बन जाते हैं, तो वो बिजनेस हमारा बन जाता है। तो आज अगर ये एक इंडिविजुअल इंसान है, इसने एक कंपनी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का ही एग्जांपल लेते हैं, कि उन्होंने जब टाइटन का शेयर लिया था तो ही बिकेम द ओनर ऑफ द कंपनी टाइटन, और फिर टाइटन में काम करने वाले जो भी 1,000, 2,000, 3,000 इंप्लॉइज है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिस्टर झुनझुनवाला के लिए भी काम कर रहे थे। ही वॉज नॉट अ बिजनेसमैन दैट टाइम, ठीक है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने टाइटन के बिजनेस का शेयर खरीद लिया था, एक अच्छी कंपनी के साथ वो जुड़ गए थे, उस नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे एज अ ओनर, और फिर टाइटन का जितना तरक्की होते चला गया, उन्होंने टाइटन का शेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 3.5 या 6.5 रुपए के आसपास के रेंज में खरीदा था, और फिर टाइटन ग्रो करते चले गए, कंपनी ग्रो करते चले गए, उसके एम्प्लॉइज ग्रो करते चले गए, साथ साथ मिस्टर झुनझुनवाला जी का भी अर्निंग्स में काफी मल्टीपल इफेक्ट है। तो ये जो टाइम कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है, हम बिजनेस ना करते हुए भी इक्विटी मार्केट इज द ओनली मार्केट जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम खुद बिजनेस नहीं भी करें तो हम इस बिजनेस के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं, और इस हिस्से के जरिए हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है उसे अटेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये होता है कि जहां पर आपका अर्निंग्स ऐसा हो जिसके और आपके खर्चे जितने हैं, योर अर्निंग्स, योर पैसिव अर्निंग इज लेस देन योर टोटल एक्सपेंडिचर, जहां पर आपको अपने खर्चों को संभालने के लिए आपको किसी काम करने की जरूरत ना पड़े, तब आप कहलाते हैं कि यू आर फाइनेंशियली। एंड स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है, इक्विटी मार्केट एक ऐसा जरिया है जो आपको ये गोल अचीव करने में मदद कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आपने सही कंपनी का चयन किया है, सही कंपनी में इन्वेस्ट किया है, किसी गलत या फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, कंपनी को पूरी तरह से स्टडी करके, कंपनी के बारे में जान के आप उसके नेटवर्क का हिस्सा बने। और इस चैनल में हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आपको अच्छी अच्छी कंपनी ढूंढ के लाए, कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे जो एक इंसान को इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज का जरूरत है, वो कंप्लीट नॉलेज हम आपको दें।
है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। बाय बाय।